नो नो बना नो 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 कॉफी को हो जाए कष्ट, ऐसी में नाड़ी नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा घर में एक पैसा का नहीं चलता, हम बोलते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए तो सुनती नहीं वो औरत, एक टाइम भी कॉफ़ी नहीं। तो दोस्तों अभी बारिश का मौसम होने लगा है और नींद अभी मस्त लगा ही था कि नींद टूट गया और इधर सारा कपड़ा और सब सुरिया रही है, अभी जस्ट अभी उठाया था नहीं तो भीग जाता सारा कपड़ा बाहर, और टुकुर भी सब बाहर से अंदर आ रहा होगा क्योंकि बारिश हल्का हल्का बहुत ज़्यादा ही मतलब होना शुरू हुआ है, अभी हुआ नहीं है होगा। और शाम हो चुका है दोस्तों, घड़ी दिखा तो घड़ी नहीं देखेगा, कोना में उस कोना में लगा हुआ है मेरा घड़ी, इतना छोटा सा घड़ी लगा हुआ है, देखिए इतना छोटा सा घड़ी लगा हुआ है। वो लाए थे नया वाला घड़ी खरीद के, लेकिन जब उसमें जितना सारा सामान था उसे सब खोल दिए हैं, क्यों कि जिस दिन लाए थे घड़ी उसी दिन मतलब चलना ही बंद हो गया था, तो उसमें लगाए कलाकारी लगाए इंजीनियरिंग वाला दिमाग, उसको खोल दिए, उसको हल्का कर दिए, खाली कर दिए, उसके बाद घड़ी चालू हो गया चलना। तो भाई मेरा जो दाम लगा हुआ था घड़ी का वो सब बर्बाद चला गया, घड़ी को था चलाना और घड़ी को चलाना ज़रूरी था क्योंकि पैसा उसमें लग चुका था। तो चलिए दोस्तों बाहर के लिए चलते हैं, थोड़ा सा टुकू को देखते हैं, बारिश होने का मौसम है लेकिन अभी भी बाहर ही खेल रहा होगा, हम तो उसको बाहर छोड़े उसको, उसके बाद नींद आ गया थोड़ा और मौसम थोड़ा ठंडा टाइप का हो गया है, बारिश होने लगा तो लोग बाहर के टुकू 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 और खेलने में बिल्कुल एकदम मस्त है आज, कि दो दिन से ये ऐसा आदत कर रखा है। चलो ये पैर में भी घूमिए, ये पैर में खेल जा। अरे अरे देखो टुकू टाटा कर रहा है, एकदम मस्त है खेलने में, इसको लाना मतलब अभी मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डालना, वो आएगा नहीं, कितना भी कोशिश हम कर लेंगे उसको लाने का लेकिन वो आएगा नहीं, वो जब तक नहीं उसका मन होगा और जब तक नहीं थकेगा तब तक वो आने वाला नहीं। हम तो दोस्तों बस यहाँ पे आराम करने वाले हैं, मस्त बाहर ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है और मस्त जनाब को लगा है नींद, हमको आ रहा है नींद। तो पीहू अभी आई है खेलते खेलते, उसका बाल बिगड़ गया है, बाल बिगड़ गया है, बाल बिगड़ गया, इस वजह से बाल बनाने के लिए आई है, क्योंकि ये नहाई और फड़ाक से चली गई बाहर, तो मैं इसका थोड़ा बाल वगैरह बना देती हूँ, फिर बोली बेटा थोड़ा खेल ले। अच्छा बजब खेल खेलते, ओ चिकलेस नाम है किसी बाबू का, कॉफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको गैस हो जाती है, गैस अरे गैस छोड़ो ना, गैस बन जाएगा कोई दिक्कत फिर भी बना, नो 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 कॉफ़ी को हो जाए कष्ट, ऐसी में नाड़ी नहीं। हो गया भाषण तो ठीक है, बनाओ थोड़ा बनाओ कॉफ़ी, शाम हो गया है कॉफ़ी। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा घर में एक पैसा का नहीं चलता, हम बोलते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए तो सुनती नहीं वो औरत, वो पहले से गौर से देखिए, तो मैं नहीं दूँ इनको कॉफ़ी, गौर से देखिए मेरा बात नहीं मानती कभी भी, ये औरत ये औरत ये दिन भर में चार टाइम दोस्तों चाय पीती है लेकिन हमको एक टाइम भी कॉफ़ी नहीं, वो भी सुबह जगाने हमको सिर्फ कॉफ़ी मिलता है सुबह में, बस एक टाइम नींद जल्दी नहीं टूटता, इसको हम चाय कॉफ़ी इसलिए देते हैं कि ये जल्दी उठ जाए, और मैं देना नहीं चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये है मेरा सच्ची कहानी डेली लाइफ का, आगे आगे देखिए क्या कहानी आपको मिलता है, आगे आगे देखिए क्या और सुनने और देखने को मिलता है।
चलिए दोस्तों पसीना पोछ लीजिए, पंखा बंद है, पंखा बंद है क्योंकि बिजली बचाना है। बिजली बिल बहुत ज्यादा लगता है, ज्यादा बिजली बिल तो बहुत ज्यादा ही बिजली बिल आता है दोस्तों। तो हम लोग एसी में रहने वाले हैं, मैनेज कर रहे हैं, नहीं हम लोग एसी में रहने वाले आदमी हैं, थोड़ा सा पंखा बिजली बिल बचा लेते हैं इसलिए, क्योंकि रात में काम आता है। वैसे गरीब नहीं है, अमीर है, लेकिन फिर भी बिजली बिल बचाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा आस पड़ोस को थोड़ा भला हो जाए इससे, कि जब हम बिजली कम यूज करेंगे तो दूसरे को थोड़ा फ़ायदा होगा उससे, है ना। तो चलिए दोस्तों शाम हो चुका है, वीडियो को लगाना है एडिट पर, तो आज के घरेलू वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।